हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स ऑफ पेंट एंड एप्लीकेशंस, बिकॉज फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टेक्निक्स ऑफ पेंट में हम स्टडी करेंगे कि किन टेक्निकों द्वारा पेंट किया जाता है एंड टाइप्स ऑफ कोटिंग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप लाइक यू माई वीडियो। नाउ स्टार्ट टेक्निक्स ऑफ पेंट। तो बेसिकली पांच से टेक्निक होती हैं, वो जैसे कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पेंट एप्लीकेशन और ब्रूस एंड रोलर, वो जैसे हम घरों में भी करते हैं, ब्रूस से करते हैं, रोलर से करते हैं, एयर और एयरलेस स्प्रे, एक गन के द्वारा जो हम करते हैं, ठीक है, रोल कोटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिंग स्प्रेइंग, इलेक्ट्रोडिपोजिशन एंड डिप कोटिंग। तो बेसिकली पांच से तरीके की टेक्निक हैं जिनके द्वारा हम पेंट कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे। मैन्युफैक्चरर अफेक्ट द चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज्ड। हाँ, ये डिपेंड करेगा भी कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर चॉइस पे। दिस इंक्लूड फिल्म थिकनेस, क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा भी, हमारी फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आनी चाहिए, या किस सरफेस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, घर में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ पेंट एप्लीकेशन आर, तो कौन सी टेक्निक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली है ब्रूस कोटिंग। ब्रूस कोटिंग मतलब ब्रूस के द्वारा। नॉर्मली जो हम घरों में करते हैं पेंट, वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्रूस के द्वारा, ठीक है। तो ब्रूस एप्लीकेशन इज यूज फॉर डेकोरेटिव कोटिंग। कौन सी कोटिंग के लिए, डेकोरेटिव कोटिंग ऑफ रिलेटिवली स्मॉल एंड कॉम्प्लेक्स एरियाज, जो एरिया जो थोड़े स्मॉल होते हैं, छोटे एरिया होते हैं, वहाँ पर हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, ब्रूस कोटिंग, यानी कि स्मॉल एरियाज में हम ब्रूस कोटिंग का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए स्लो एप्लीकेशन मेथड। एप्लीकेशन कैसा होता है इसका, स्लो होता है, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और करने में भी टाइम लगता है, बट इट प्रोवाइड गुड पेनिट्रेशन ऑफ द पेंट। पेंट अच्छे तरीके से हमारे सरफेस के अंदर अप्लाई हो जाता है। ब्रूस एप्लीकेशन प्रिवेंट्स पेंट लॉसेज एसोसिएटेड विद द स्प्रे एप्लीकेशन। दूसरी मेन इसका फायदा क्या है कि इसमें जो पेंट का लॉस होता है वो कम होता है बिल्कुल, क्योंकि हम ब्रूस से करते हैं, पूरे सर्फेस पर अप्लाई होगा वो, ठीक है। ब्रूसिस पेंट एंड हार्ड रोलर्स आर द मोस्ट वाइजली यूज टेक्निक फॉर द ऑन साइट एप्लीकेशन ऑफ आर्किटेक्चरल पेंट। तो घरों में जो करने की मेन सबसे जो चीज़ें होती हैं, जो टेक्निक होती हैं, वो या तो हम ब्रूस से करते हैं, या पैड से करते हैं, या रोलर से करते हैं, ठीक है। ब्रूसिस जो होती हैं वो अवेलेबल इन नंबर ऑफ साइज, कई तरह के साइज में होते हैं, तुमने देखी भी होंगी नॉर्मली जब घरों में पेंट होता है, एंड डिजाइन टू सूट डिफरेंट एरियाज। इन दिस टेक्निक वेस्टेज ऑफ पेंट इज रिलेटिवली लो। ये भी फायदा है इसका, ये भी एडवांटेज है कि इस टेक्निक में क्या होगी, वेस्टेज मैंने पहले बताई थी क्या होगी, लो होगी बिल्कुल। विस्कोसिटी करेक्टरिस्टिक एंड ड्राइंग टाइम्स आर क्रिटिकल इन यूजिंग ब्रूसिस। द ड्राइंग टाइम ऑफ ब्रूस अप्लाइड पेंट्स नॉर्मली हैव टू बी सच दैट ऑप्टिमम फ्लो कैन अकर अलोंग विद मेंटेनिंग द फिल्म इन ए सच स्टेट सच दैट द ओवरलैपिंग और एडजस्टमेंट एरियाज ऑफ फ्रेशली अप्लाइड पेंट वर्क कैन बी अकम्प्लिश विदाउट फिल्म डिसरप्शन अलोंग द इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, मेन चीज़ ये बताई गई है कि जैसे हम सर्फेस पे अप्लाई करते हैं ब्रूस के द्वारा पेंट, तो ये नहीं है कि हमने एक सर्फेस पे अप्लाई कर दिया, अगर जब तक वो सर्फेस गीला है तब भी उस पर दूसरा हम अप्लाई कर सकते हैं, पहले उस सर्फेस को हमें सुखाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद दूसरी कोटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अंडर कोट करते हैं, सबसे पहले प्राइमर का यूज़ करते हैं, प्राइमर के सूखने के बाद फिर अंडर कोट का यूज़ करते हैं, फिर सबसे लास्ट में टॉप कोट का यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं हम पहले एक साथ ही साथ तीनों के कुछ तीनों कोटिंग कर दी, बीच में सूखने का टाइम उसको देना पड़ेगा, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ ब्रूस इज यूज फॉर दिस पर्पज आर, तो अलग अलग तरह के ब्रूस हम यूज़ करते हैं, कौन सी होंगी, फॉर्म ब्रूस, वॉल ब्रूस, रेडिएटरी टाइप्स हैं उसके, वो देख लेना एक बार। अगली आ गई रोलर कोटिंग। रोलर कोटिंग मतलब रोलर के द्वारा जो कोटिंग की जाती है रोलर का यूज़ करके, ठीक है। रोलर टेक्निक इज अप्लाइड फॉर कोटिंग लार्ज फ्लैट सर्फेसिज, अगर सर्फेस थोड़ा ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम फ्लैट सर्फेस पे करते हैं उसका यूज़ रोलर कोटिंग का। दिस मेथड इज फास्टर देन ब्रूस एप्लीकेशन, उससे फास्टर होता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द ब्रूस मेथड रोलर पेंटिंग इज नॉट सुटेबल फॉर अप्लाइंग हाई फिल्म बिल्ड। ब्रूसिस पैड्स एंड हैंड रोलर आर मोस्ट वाइडली, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, रोलर्स आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ साइज, अलग अलग साइजेस में और डिजाइन में अवेलेबल होते हैं। पेंट फॉर रोलर एप्लीकेशन आर जनरली अप्लाइड एट स्लाइटली लोअर विस्कोसिटी देन व्हेन अप्लाइड टू ब्रूस। अच्छा जी, तो मेन चीज़ क्या बताइए कि जैसे हम ब्रूस का यूज़ करके पेंट करते हैं और एक हम रोलर का यूज़ करते हैं, तो रोलर के यूज़ करते वक्त जो पेंट की विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, और वो हम क्या करेंगे घर पे ही जब हम पेंट लेके आते हैं तो उसको थोड़ा सा विस्कस कम कर देंगे, विस्कोसिटी उसकी कम कर देंगे। दिस इज अचीव्ड बाय ऑन साइट एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। हाँ, तो ऑन साइट पे मैंने बताया घर पे लाने के बाद सुटेबल सॉल्वेंट डाल देंगे ताकि उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। रोलर्स कैन अप्लाई पेंट कंसिडरेबली फास्ट देन ब्रूसिस, और रोलर के द्वारा जो पेंट होगा वो फास्ट होगा, जल्दी होगा। फिल्म प्रोड्यूस बाय रोलर ड्राई वेली क्विकली, ये भी एडवांटेज है हमारी रोलर का यूज़ करने की, किसके ऊपर, ब्रूस पेंट के ऊपर, कि वो ड्राई जल्दी होगा। कॉमन रोलर्स अवेलेबल फॉर कोटिंग्स आर, तो कौन से रोलर अवेलेबल होते हैं, सिंगल टॉप कोटर, सिंगल बॉटम कोटर और डबल कोटर, ये तीन तरह के रोलर यूज़ होते हैं। अब आ जाओ स्प्रे कोटिंग।
स्प्रे कोटिंग क्या होती है, मेनली एक स्प्रे के द्वारा, एक गन होती है, गन के द्वारा स्प्रे किया जाता है पेंट का। उसमें भी दो तीन तरह के होते हैं ये। सबसे पहले एयर स्प्रेइंग, एयरलेस स्प्रेइंग और इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइंग। एयर स्प्रेइंग में हम एयर का यूज़ करके करते हैं, एयरलेस स्प्रेइंग में एयर का यूज़ नहीं करेंगे, एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है उस गन के अंदर, उसके द्वारा स्प्रे करते हैं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइंग तुम्हारा, ठीक है। तो स्प्रे कोटिंग इज ए वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन टेक्निक फॉर मोस्ट इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस एंड कमर्शियल आर्किटेक्चरल जॉब। तो ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ कर दी जाती है, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है। स्प्रे पेंटिंग इज मच फास्टर देन यूजिंग, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है। इसलिए ए लार्ज वेराइटी ऑफ स्प्रे इक्विपमेंट आर अवेलेबल इंक्लूडिंग एयर, एयरलेस एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइंग। ये तीनों तरह के हो सकते हैं। एयर में हम एयर का यूज़ करेंगे, देखो वही चीज़ है सारी। कन्वेंशनल एयर स्प्रेइंग, कंप्रेस्ड एयर एंड पेंट आर सप्लाइड टू द स्प्रे गन। स्प्रे गन में हम कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे, ठीक है, और पेंट भेजेंगे। विच एटोमाइज एंड ट्रांसपोर्ट टू द पेंट टू द आर्टिकल, जिसके ऊपर भी हमें करना होगा उसके ऊपर उस गन के द्वारा हम उसको पेंट को ईजिली कर देंगे। और पीछे से किसके द्वारा वो पेंट फेंका जाएगा, उसमें एयर के द्वारा। द एयर प्रेशर यूज्ड इन दिस ऑपरेशन इज क्रिटिकल एंड इट शुड बी कैप्ट एट मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट। वो कितना होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो हमारा पेंट सर्फेस पे स्टिक नहीं कर पाएगा। अब दूसरा आ जाओ एयरलेस स्प्रेइंग। एयरलेस स्प्रेइंग में क्या होता है, द पेंट इज फोर्स्ड आउट ऑन ओरिफाइस एट वेरी हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पे हम उसको लेते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन एटोमाइजेशन ऑफ द पेंट इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। द वेरी हाई प्रेशर यूज्ड इन एयरलेस स्प्रे टेक्निक्स परमिट्स नियरली ऑल पेंट्स टू स्प्रेड इन देयर ओरिजिनल अनथिंड स्टेट। एयरलेस स्प्रेइंग मिनिमाइज ओवर स्प्रेइंग, एस्टेब्लिश हाई थिन पेंट रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। द अदर एडवांटेज ऑफ एयरलेस स्प्रेइंग, पेंटिंग सर्फेस इज एनक्लोज एरिया, ग्रेटर पेंट इकोनॉमी, वेरी फास्ट एप्लीकेशन एंड लेस पोल्यूशन, पोल्यूशन कम होगा। ये वही नॉर्मल सी चीज़ें। मेन डिफरेंस क्या है कि एयर स्प्रेइंग में हम एयर का यूज़ करेंगे प्रेशर के लिए, और एयरलेस स्प्रेइंग में गन के अंदर हम एयर का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से हम उसके अंदर प्रेशर जनरेट करेंगे। और प्रेशर कितना होगा, 1000 to 5000 PSI के करीब, ठीक है। तीसरा आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग एक टेक्निक होती है जो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कोटिंग ऑफ आर्टिकल्स के लिए कन्वेयर सिस्टम में यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, गन के द्वारा जो हम पेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो पेंट होगा उसके अंदर एक चार्ज बन जाता है, मान लो पॉजिटिव चार्ज बन गया उसके अंदर, और जिस सरफेस पे हमें कोटिंग करनी होती है उसके अंदर एक दूसरा चार्ज बन जाता है, अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से जैसे ही वो उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है पेंट, तो ईजिली उस सर्फेस के ऊपर वो पेंट अप्लाई हो जाता है जिसके ऊपर हमें करना होता है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक ऑटोमेटिक जरिया है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइंग। अब आगे क्या है इसमें, द एटोमाइज्ड पेंट इज अट्रैक्टिव टू द कंडक्टिव ऑब्जेक्ट पेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग बिटवीन द टू। द प्रोसेस नाउ फाइंड वाइड स्प्रेड यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करता है। सेवरल कार प्रोड्यूसर हैव इंस्टॉल्ड फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीपल गन सिस्टम कैपेबल ऑफ अप्लाइंग हाई सॉलिड एंड वाटर बेस्ड। तो नेक्स्ट टेक्निक है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग नहीं है, सेम वही जो मैंने लास्ट बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग की तरह है। तो गन के अंदर बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग में हम यूज़ करते थे पेंट, इसमें हम पेंट जो लेंगे वो लेंगे हम पाउडर फॉर्म में। द डिफरेंस इज दैट व्हाट इज स्प्रेड इज ए पेंट पाउडर, पाउडर के फॉर्म में हम पेंट को लेंगे इसके अंदर। और उसके बाद किसी सरफेस के ऊपर हम स्प्रे करेंगे, वही चार्ज की वजह से, नेगेटिव अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो पाउडर है वो स्टिक हो जाएगा उस सर्फेस के ऊपर, ठीक है। और उस सर्फेस को बाद में हम किसी ओवन में क्या कर लेंगे, बेक कर लेंगे, बेक कर लेंगे उस ओवन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वो उस सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेल्ट होकर पाउडर इनटू ए स्मूथ ड्यूरेबल कोट, अच्छी कोट बन जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कुछ पाउडर जो ज़्यादा यूज़ हो गया था वो निकल के बाहर आ जाएगा और उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओवर स्प्रेज कैन बी यूज एंड नो अदर पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड और रिलीज बिकॉज द पाउडर हैज़ नो सोलवेंट्स इन इट, ठीक है। और इससे कोई भी हमारा पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं होंगे, ना ही वो रिलीज करें, क्योंकि किसी भी सोलवेंट का हमने यूज़ नहीं किया, जो पेंट यूज़ किया वो पाउडर फॉर्म में यूज़ किया। पर मेन इसकी दिक्कत क्या है कि एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम बिजनेसेस में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसी का एक वेरिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा पाउडर कोटिंग। कौन सी कोटिंग होती है, प्लाज्मा पाउडर कोटिंग। इसमें क्या करेंगे कि जो कोटिंग होगी, पाउडर इज फेड इनटू एन एक्सट्रीमली हॉट गैस स्ट्रीम, हॉट गैस स्ट्रीम के अंदर उसको रख देंगे एंड इज देन स्प्रेड एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हम स्प्रे करेंगे। प्लाज्मा पाउडर कोटिंग इज फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। देखो जो पहले हमने सिंपल पाउडर कोटिंग होती थी वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए होती थी, जिनको हम ऑब्जेक्ट को ओवन के अंदर रख के बेक करा सकते हैं इसलिए। बट कई ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनको हम ओवन के अंदर तो रख नहीं सकते। तो उस केस में हम कौन सी कोटिंग करते हैं, प्लाज्मा कोटिंग। तो प्लाज्मा कोटिंग इज फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट फिट इनटू कन्वेंशनल क्यूरिंग ओवन। ओवर स्प्रे कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट हार्डन। तो ओवर स्प्रे जो होता है वो इसमें, जैसे हम पहले पाउडर कोटिंग यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा वाले में हम उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी एक वेरिएशन है इसकी, फ्लेम स्प्रेड पाउडर कोटिंग। फ्लेम स्प्रेड पाउडर
कोटिंग, जिसमें क्या करते हैं पाउडर को पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर फ्लेम पे, ठीक है। और ये दूसरी वही बात, हाई टेम्परेचर पे उसमें मेल्ट किया जाता है तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए होगा और इसके भी ओवर स्प्रे को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला है तुम्हारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग। इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग कुछ नहीं है अलग, सिंपली इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सभी बच्चों को पता ही होगा, उसका दूसरा नाम क्या हो? इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग। ये लास्ट यूनिट भी है तुम्हारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, उसमें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्या हम, क्या काम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? हम कोटिंग करते हैं एक मेटल की दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, एक मेटल की दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं उसके सरफेस को बचाने के लिए, उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करने के लिए या डेकोरेशन पर्पज के लिए भी किसी चीज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दो मेटल होते हैं, एक मेटल इसके अंदर बेसिकली दो मेटल होंगे, एक एम वन एक होगा एम टू, ठीक है। मान लो ये मेटल वो है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है और जिसकी कोटिंग करनी है वो है हमारे मेटल एम टू। तो जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको हम बना लेते हैं इसमें कैथोड, और जिसके ऊपर जिसकी कोटिंग करनी है उसको हम बना लेते हैं एनोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर तुम्हें पता है कौन सा चार्ज होगा इसमें, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर होगा क्या उनका चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, मान लो हमने ले लिया एक सेल ले लिया, ठीक है, इस सेल के अंदर दोनों को हमने रख दिया इलेक्ट्रोड्स को। ये है हमारा M2 जिसकी हमें कोटिंग करनी है, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो है हमारा N1। M1 हमारा कैथोड है, कैथोड है तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को हम कनेक्ट करा देंगे एक बैटरी के माध्यम से, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये इधर बन गया पॉजिटिव हमारा, इधर बन गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन मूव स्टार्ट कहाँ से कहाँ होंगे, इस तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट होंगे। और जैसे मान लो ये जिसकी हमें कोटिंग करानी थी, वो मान लो हमने लिया है कॉपर ले लिया, मान लो कॉपर की हमें कोटिंग करानी है, ये कॉपर ले लिया हमने, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर लेंगे इसके अंदर। तो कॉपर का कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मान लो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप होगा तो कॉपर टू पॉजिटिव और एसओ फोर टू नेगेटिव में बनेगा। तो कॉपर पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ, यानी कि वो एनोड कैथोड की तरफ जाएगा और उसके ऊपर वो यहाँ पर सरफेस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही है तुम्हारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आ जाओ लास्ट है डिप कोटिंग। डिप कुछ नहीं है, नाम से पता लगा, डिप करना यानी कि अंदर डुबो देना। जिसकी सरफेस के ऊपर हमें पेंट अप्लाई करना हो उस मेटल को या किसी भी चीज़ को, हम उस पेंट के अंदर प्रॉपरली पूरा अंदर डुबो देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिप कोटिंग। इन डिप कोटिंग द आर्टिकल्स इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन ए लार्ज टैंक कंटेनिंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पेंट टू बी अप्लाइड। द आर्टिकल इज देन पुल्ड आउट, उसके बाद हम आर्टिकल को निकाल लेते हैं। द टेक्निक इज यूज फॉर मेटल प्राइमर एप्लीकेशन सच एज मोटरसाइकिल बॉडीज। मोटरसाइकिल बॉडीज पे जैसे जो पार्ट होते हैं उनको हम क्या करेंगे, इस टेक्निक के द्वारा ही हम उनके ऊपर पेंट करते हैं। दिस अलाउज फॉर हाई प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा क्योंकि मेनली क्या करना है, हमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, सिर्फ उसके अंदर डिप कर देना है और उसको निकाल लेना है। एंड इट रिक्वायर्स रिलेटिव लेबर भी इसमें कम लगता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ डिप कोटिंग डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पेंट की, पेंट हमारा गाढ़ा है या कम गाढ़ा है या ज़्यादा गाढ़ा है। विच थिकन्स विद एक्सपोजर टू एयर यूज करके मैं, डिप कोटिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स विद होलोज और कैविटीज। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कैविटी ज़्यादा हैं या होलो है अंदर से, तो उस पर कम यूज़ करने में ये नुकसानदायक होगा या ठीक से कोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। बस यही है था मेनली। तो इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा खत्म।